हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। आज मैं कुछ ऐसे हैक्स और यूनिक टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम में आने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके के फूड कंटेनर हमारे घर में आते ही रहते हैं, किसी न किसी चीज़ में आते ही हैं। लाइक हम कोई भी बाहर से फूड वगैरह मंगाते हैं तो इसमें ही आता है, लाइक ढोकला वगैरह कुछ भी बाहर से हम जब लाते हैं तो हमारे घर में, मतलब इन्हीं कंटेनर में देते हैं, तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इनका यूज़ आप बहुत चीज़ों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरी अलमीरा है तो इसमें स्पेस कम है, यहाँ पर सिर्फ एक ही रैक लगी हुई है और इसमें भी, इसमें जो इसकी विड्थ है वो काफ़ी कम है तो इसमें ज़्यादा सामान आ नहीं पाता है। तो आप इस तरीके से इन कंटेनर्स को यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली दो कंटेनर ईजिली लग पाएंगे बट मेरे पास एक है तो मैं यहाँ पर एक से ही दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप जो क्लॉथ पिन होती है उनको इस तरीके से लगा कर और इसको टक कर सकते हैं। ये काफ़ी मजबूत बन जाके तैयार हो जाता है। और इसी तरीके से आप इसका यूज़ फ्रिज में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इसको क्लोज़ करके भी दिखाऊंगी, इसको शट करती हूँ तो देखिए इस तरीके से शट करने पर भी बिल्कुल अच्छे से हो रहा है और ईजिली ओपन हो रहा है, कहीं से भी गिर नहीं रहा है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ तो देखिए, पूरा गेट मैंने बंद कर दिया है और ये देखिए ओपन किया है तो ये एजेटिक वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और इसमें अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, अपने ज्वेलरी वगैरह है, नेल पेंट, लिपस्टिक वगैरह जो भी है, जो सामान मैसी होता है, जो जल्दी से मिक्स हो जाता है, नहीं मिलता है, तो उसको आप इस तरीके से रख सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपने फ्रिज में भी इसको, जो हमारे फ्रिज में रैक होती है उनके साथ भी अटैच करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके फ्रिज में भी एक्स्ट्रा स्पेस बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो क्लॉथ पिन होती हैं हम एक्स्ट्रा क्लॉथ पिन रखते ही हैं, जो नॉर्मल क्लॉथ पिन होती हैं उनको हम वहीं की वहीं, मतलब जो तार वगैरह होता है वहीं पर लगा रहने देते हैं, कौन रोज रोज हटा। लेकिन इस तरह और भी एक्स्ट्रा पिन हम रखते ही हैं इस तरीके से, तो इनको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पड़ी रहती है तो इनको अरेंज करने के लिए आप इस तरीके की रिंग ले सकते हैं। ये वो रिंग है जो हम जाली वगैरह यूज़ करते हैं अपने खाने को ढकने वगैरह के लिए, और वो एक टाइम के बाद ख़राब हो ही जाती है उनकी जाली, तो हम उसको फेंक देते हैं। तो उसको आप फेंकने के बजाय उसको, जो जाली है वो निकाल दीजिए, जो नेट लगी होती है उसको निकाल दीजिए जैसा मैंने दिखाया, और इस तरीके से अपने जो क्लॉथ पिन है इसमें आप इसको लगा दीजिए। तो इसको आप इस तरीके से हैंग भी कर सकते हैं तो भी लुक वाइज में भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसके यूज़फुल टिप्स भी हैं जो कि मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो क्या है, देखिए इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, है ना, और इस टाइम बारिश का भी मौसम चल रहा है तो कपड़े इजीली सूख नहीं पाते हैं, तो उनको हम कहाँ हैंग करें। तो इस तरीके से छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो इनको आप इजीली इस तरीके से, इन कपड़ों को आप इन क्लॉथ पिन में हैंग करके रख सकते हैं। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर और ये टिप्स आप सर्दियों में भी फॉलो कर सकते हैं। सर्दियों में जब कपड़े बच्चों के नहीं सूखते, वो जल्दी जल्दी गीले कर लेते हैं, तो आप इस तरीके से उनको, मतलब अपने रूम में ही सुखा सकते हैं, मतलब जो हीटर वगैरह है उसके आगे इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से क्लॉथ पिन को रिंग में लगा लेना है और जो छोटे छोटे कपड़े हैं बच्चों को, उसको इस तरीके से इसमें अटैच कर देना है, ठीक है। तो इसमें आप जितने चाहें उतने कपड़े लगा सकते हैं। अगर आपके पास और भी क्लॉथ पिन है तो आप उनको पास पास में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही रिंग में और एक ही जगह में इतने सारे कपड़े आप ईजिली सुखा पाएंगे, क्योंकि सर्दियों में बहुत दिक्कत होती है बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, क्योंकि वो बहुत जल्दी टॉयलेट वगैरह करते हैं, गीले करते रहते हैं। तो आप इस तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कपड़ों को। और वैसे भी आप नॉर्मली में भी, आप अगर स्पेस कम है आपके कपड़े सुखाने के लिए, तो आप इस तरीके से इसको कहीं पर भी धूप में इस तरीके से कपड़े हैंग करके इसमें आप इसको हैंग कर दीजिए। और जब ये सूख जाए कपड़े तो आप पूरी रिंग को इसी तरीके से उतार कर ला कर अपने कवर्ड वगैरह में भी रख सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। तो देखिए, है ना, झंझट भरा काम कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसको सुखाने का, रखने का कोई भी इश्यू नहीं होता है और बहुत ही ईजिली ये हमारा काम हो जाता है। तो इस तरीके का हैंगर ज़रूर बनाकर यूज़ कीजिए। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो तो अक्सर यूज़ कर ही सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से देखिए, यहाँ मेरा ये हैंकर शीफ है जहाँ पे, मतलब इसमें एक ये दाग लग गया है, आई थिंक ये टर्मरिक का ही है क्योंकि ज़्यादातर हल्दी वगैरह का ही दाग लगते हैं। तो इस तरीके से दाग हमारे हर कपड़े ना किसी कपड़ों पर लगते ही रहते हैं, तो इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इनको कॉलगेट के थ्रू निकाल सकते हैं। देखिए, कॉलगेट को लगाने के बाद देख सकते हैं पूरा जो येलो है, कॉलगेट हमारा येलो हो गया, तो ये इस तरीके से पूरा रिलीज़ कर देगा। थोड़ी देर तक आपको इसको रहने देना है और उसके बाद कोई भी आपका ख़राब ब्रश हो तो आप, या तो आपका
टीथ ब्रश हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लॉथ ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ी देर के लिए रफ़ करेंगे और ये देखिए पूरी, और इसको हम वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इसका दाग निकल चुका है। तो इस तरीके से अगर आपके कपड़ों पर कहीं पर भी दाग वगैरह लग जाता है तो आप ईजिली इस तरीके से कॉलगेट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट हैक्स मैं आपके यहाँ शेयर करती हूँ। तो देखिए इस तरीके के जो पैच वर्क होते हैं ना, फ्लावर्स वगैरह और भी अच्छे अच्छे से पैच वर्क होते हैं तो हमारे कपड़ों में लगे ही होते हैं, लाइक टॉप वगैरह होते हैं बच्चों के उन पर। तो ये भी मेरी बेटी का एक टॉप था, उसमें लगे हुए थे, तो टॉप ख़राब हो गया तो उसको हटा रही थी मैं, तो उसमें से मैंने ये फूल निकाल लिए क्योंकि इनको मैं कई तरीके से बना सकती हूँ। तो आज यहाँ पर मैं आपको इनके दो तरीके के इयररिंग्स बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके के कुंडे मतलब ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं और नई भी मिलते हैं, तो आप कोई भी पुराने इयररिंग्स का निकाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको इसको कुंडे को थोड़ा सा, ये जो इसकी रिंग होती है इसको हल्का सा खोलना है और इसमें फंसा लेना है। ठीक है, तो देखिए इतने लाइट वेट इयररिंग्स आपके बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये तो मुझे मैचिंग के मिल गए बिकॉज मेरे पास ब्लू कलर की साड़ी और सूट दोनों है, तो उनके मैचिंग के इयररिंग्स नहीं थे तो वो भी बन गए। और यहाँ पर देखिए इनका यूज़ मैं कई वीडियोस में कर चुकी हूँ, तो आज मैं फिर से बताऊँगी कि अगर आपको शॉर्ट मतलब इयररिंग्स पसंद नहीं है बुंदे टाइप की, तो आप इनको लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप वो भी इनको ईजिली बना सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से इसमें हैंग करके और फिर इसके पीछे आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपके लॉन्ग इयररिंग्स बनकर इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो देखिए आप इस तरीके से दोनों तरीके से इनको पहन सकते हैं बनाकर, और बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। चलिए मैं आपको शो भी करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बुंदे टाइप इयररिंग है मैंने सिंगल पहन रखा है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। और आपकी मैचिंग एचिंग की ड्रेस हो आप उससे भी मतलब और भी कई तरीके के पैच वर्क निकलते होंगे, आप उनको इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने एक आइडिया आपको बताया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने लॉन्ग इयररिंग्स है उसको बताया, पता नहीं यहाँ पर मेरे कैमरे में ब्लर कैसे लग गया था, बैकग्राउंड ब्लर, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप लॉन्ग इयररिंग्स भी बनाकर पहन सकते हैं। तो आपको कौन सा मेरा आइडिया पसंद आया, शॉर्ट इयररिंग का या लॉन्ग इयररिंग्स का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके के यूनिक वीडियोस हमेशा लेके आती रहती हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक माय वीडियो। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट किटी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।